अस्सलाम वालेकुम। तो आप देख सकते हैं कि हमने नए कपड़े पहने हुए हैं, फरहान ने भी नए कपड़े पहने हैं, मैंने भी नए कपड़े पहने हैं। फंक्शन तो फंक्शन ऐसे समझ लें कि शाम का वक्त हो गया और फंक्शन भी बिल्कुल रेडी है, सब कुछ तैयार हुआ पड़ा है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो आपने हमारे साथ रहना है, आज मेहमान भी आएंगे, आने वाले उनको हैं। हाँ, मेहमान अभी आए नहीं हैं, आने वाले हैं, वो उनको भी दिखाएंगे और फंक्शन जो हो रहा है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। दिखाता भी हूँ मैं, जो बाहर तैयारियाँ हो रही हुई हैं, अलग से बैठने की जगह बनाई है मर्दों के लिए और औरतों के लिए भी जगह बन रही है, स्टेज भी तैयार हो रहा है। तो आपने हमारे साथ रहना है। तो वीडियो बहुत दिलचस्प होगी, आज मेहमान भी आएंगे, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। तो आपने हमारे साथ रहना है। ये आप देख सकते हैं मेरे घर के दरवाज़े के बाहर ही, दरवाज़े में फरहान खड़ा है और जैसे ही हमारे दरवाज़े से बाहर हम निकलते हैं तो आज देखें कुर्सियां और बाहर से उन्होंने टेंट लगाकर बंद किया हुआ है। यहाँ देगें पकी हैं हमारी दीवार के साथ में, तो देगें अब पक के अंदर चली गई हैं, तो मेहमान अभी नहीं आए। तो ये बाहर का मंज़र था, अब मैं आपको अंदर का मंज़र भी दिखाऊंगा। तो स्टेज के ऊपर हम बैठ गए हैं, अभी स्टेज तैयार तो नहीं हुआ है लेकिन अभी तैयार होगा। तो रात को लाइटिंग भी पीछे लगी हुई है, लाइट भी इंशाल्लाह चलेगी। मेहमान अभी कम है, मेहमान अभी इतने नहीं है। तो अंदर का सामान आप मैं देख लिया कि बाहर मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, और अंदर जो है ये स्टेज तैयार हो रहा है और कुर्सियाँ भी यहाँ पे भी लगी हुई है। साथ में आती हैं तो वो गाना गा रही हैं अभी। बेगम साहबा आगे आ जाओ ना, कुछ दिया भी है या ऐसे गाने गा रही है? रिश्तेदार भाई जो हैं वो दे रहे हैं, हमने भी अलग से दी है इनको पहले। अभी बाकी मेहमान कोई भी नहीं है, अभी आने वाले अभी देर से आएंगे, पता नहीं अभी तो निकाह वाले भी नहीं है, तो आएंगे दूल्हे वाले आ जाएंगे। मुझे लगता है आज रात और रात में अभी आ जाएंगे। फातिमा फातिमा इधर दी जरा, हम बैठ चुके हैं स्टेज पे, पहले दूल्हा दुल्हन नहीं बैठे थे, हम लोगों को बिठा दिए सारे वीडियो बना रहे इनको बनाने दो क्योंकि समरीन और भाभी और फातिमा बेटी, इनको हमने जी स्टेज के ऊपर बिठा दिया क्योंकि दूल्हा अभी लेट है थोड़ा। और साकिब फरहान और जुहैब साहब हाँ इधर खड़े हैं, और शेरे हमारी ये पड़ोसन है ऐसे संभालने साथ ही रहती हैं, अभी जो है ना ये इधर ही रहेंगी, इनका भी थोड़ा इधर साथ में तमाशा ताड़ी करते रहेंगे क्योंकि ये अक्सर शादियों पे जाती रहती हैं, हमारी बहन है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, अभी लाइटिंग भी ऑन होने वाली है थोड़ी देर में, तो वो सीन भी देखने के लायक होगा। अभी हमारा बाहर का मेहमान कोई भी नहीं पहुंचा, जैसे ही हमारा बाहर का मेहमान पहुंचेगा तो फिर ये फंक्शन शुरू हो जाएगा। पहले खाना होगा, खाने से पहले निकाह होगा, फिर खाना होगा, फिर यहाँ पर फंक्शन होगा। थोड़ा लेट हो जाएंगे आज, थोड़ा डेली रूटीन सिस्टर के घर में कोई प्रॉब्लम हो गया था क्योंकि दूल्हा वाले उनके साथ आने थे, तो वो बात खुद डेली रूटीन सिस्टर आपको आके बताएंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबका, मैं खुशामदीद कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ जो भी यहाँ महफिल में बैठे हैं। तो अभी जो है जब हम आए हैं तो खाना वगैरह माशाल्लाह से रेडी हो चुका था, और बाहर जो है वो मतलब लोगों का मर्दों का अलग से इंतज़ाम है कि कुछ जो दूल्हे के फ्रेंड्स हैं तो वो अंदर तो नहीं आ सकते, तो वो बाहर जो है उनका अच्छे से इंतज़ाम रखा हुआ है, और यहाँ पे गर्ल्स जो है मतलब औरतें वगैरह तो उनका भी अच्छे से इंतज़ाम है। तो माशाल्लाह है तो मतलब सिंपल फंक्शन निकाल कर, लेकिन चाचा ने बहुत अच्छा सेटअप किया, बहुत ज़्यादा
ऐसे लग रहा है जैसे बरात आ रही हो। तो पहली खुशी है ना बेटी की। पहली खुशी तो फिर बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी आप सब लोग दुआ करनी है, अल्लाह ताला बस नसीब बच्चे करे। आमीन सुमा आमीन। चलो जब मैं आई ना तकरीबन 4 अभी तक खान भाया भी नहीं था, रेडी भी नहीं हुए थे। तो हमने मैंने से आके कहा जल्दी करो, फिर ये इतना शर्मीला नहीं हम जाके अभी तो बैठा है, जब मेहमान आएंगे ना ये फिर साइड करेगा तो वो शुरू करता है। और हमारे पास मतलब कि लाइट तो नहीं है, फिर हम ये हमने बनाए ये जनरेटर से बनाए हुए ये लाइटिंग ये जनरेटर से ऑन करेंगे। अभी अंधेरा होने दे, फिर उसके बाद देखना आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नजर आएगा निकाह की जो वीडियोस वगैरह सारी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अभी जो है हमने सोचा कि पहले आप लोगों से ये सारे इंतजाम वगैरह जो है आप लोगों से शेयर कर लें। और अभी जो है खाना जो है वो भी तैयार नहीं होती, इसको भी आके हमने जल्दी जल्दी तैयार किया है। खुद ही मम्मी भी बैठी थी, कहते करीब में कहा है क्या लगा हुआ है मेरे पास था, मैं जल्दी जल्दी आके उनको भी रेडी किया है। तो अभी ये देखिए मम्मी आपको बताना है कैसी लग रही है। वैसे तो सारी मम्मी को पसंद करते हैं, मुझे तो कोई भी नहीं करता पसंद के। त्योहार बहुत अच्छी है, तेरा नाम था एकदम माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा इंजॉय करें, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आज का दिन जो बहुत ही सारी पहली खुशी है घर में, तो चाचा घर में मतलब पहली खुशी हमारी तो खुशी होगी जगह पहली। तो अंदर बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है क्योंकि अंदर जो है वो बैठी है दुल्हन और उसके साथ हमारे कई हमसाए जो साथ साथ वाले और बाकी मेरी कज़नें वगैरह सारी जो है वो आपस में कपिल गेड़ आ रही है। तो अभी अंदर चलते हैं। मुझे मैंने सोचा मैं इधर आके थोड़ा सा आप लोगों से हाल वाल शेयर कर लूँ। तो यहाँ पे अभी अंधेरा होने वाला, फिर इंशाल्लाह लाइटिंग ऑन करते हैं और उसके बाद खाना वगैरह भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो वीडियो के साथ आप लोगों ने जुड़े रहना, नेक्स्ट वीडियो भी याद नहीं देखना। आप लोग को कैसा लग रहा है? नहीं वैसे ही हम स्टेज पे बैठ गए हैं, अभी मेहमान भी तकरीबन बाहर छो लड़के कह रहे हैं कि आ गए हैं। हाँ। तो मेहमानों से भी मिलते हैं अभी, तो अब आप लोगों को उतरना पड़ेगा। और ये है कि फिर अगली वीडियो में आप मेहमान भी देख सकेंगे। अभी हम इस वीडियो को तो तकरीबन ये 8-9 मिनट की बनने वाली है, तो एंड करेंगे इसका। हाँ, इसका एंड करेंगे। अगली वीडियो में आपने हमारे साथ जरूर देखना है हमारी वीडियो, कि हम अगली वीडियो में आपको मेहमानों से मिलवाएंगे, खाना भी शेयर करेंगे, निकाह भी शेयर करेंगे, दुल्हन भी दिखाएंगे। तो अभी शाम को दुल्हन को मतलब उसको घूंघट में दिखाएंगे, घूंघट में दिखाएंगे, लेकिन दिखाएंगे तो सही ना। हाँ। तो दुल्हन भी दिखाएंगे। और आपने हमारी वीडियो को लाइक जरूर, और ये बताना है कि आज की हमारी वीडियो कैसी लगी आपको, समलिन के बारे में भी आपने बताना है, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं ताकि वो आगे भी वीडियो हमारी में आती रहे। हाँ। तो आपका आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और नेक्स्ट वीडियो भी जरूर आपने आप लोग है। कहते हैं मैं क्यों नहीं आती वीडियोस में, मैं इंशाल्लाह आप लोग को लाजमी शेयर करूँगी। मुझे बातें आप लोगों ने काफ़ी गलत सुनाई है, मैं कमेंट पढ़ती रहती हूँ, तो उसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह, आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अभी जो है हम फंक्शन में हैं, तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा। तो आप सब लोगों ने जो है हमारे साथ रहना, नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखनी है और फुल वॉच करनी है। वॉच टाइम हमारा आप लोग बहुत कम देखते हैं हमारे, फिर आप लोग कहते हैं हमारे वीडियोज़ जो है हम व्यूज़ नहीं आते हमारे, तो हम वीडियो क्यों नहीं बनाते? आप लोग वॉच टाइम जो है बहुत कम देते हैं, फ़ायदा नहीं है कुछ भी हमें, व्यूज़ हमें कुछ फ़ायदा नहीं है ना। वो पूरी वॉच करेंगे इंशाल्लाह, हम भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे दिलचस्प। तो आपने हमारी वीडियो को, अगली वीडियो को जरूर देखना है, क्योंकि अगली वीडियो में बाकी जो हम मेहमान आ रहे हैं वो आपको दिखाएंगे, सब मेहमानों से मुलाकात करवाएंगे, फंक्शन कैसा हुआ वो आप अगली वीडियो में जरूर देखेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।